हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, क्योंकि मेन चीज़ है जो उसके बारे में ही बताऊँगा। अभी रिसेंटली जो मैंने दो तीन वीडियो डाली हूँ, उस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट ये किया है कि क्या सच में सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर के लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये सब कमेंट किए हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी कोरेंडम 6 आया है, जो कि आपका मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड है। देखो यार, सबसे पहले तुम लोग एक चीज़ दिमाग में रख लो यार, ये मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कैटेगरी को एनटीपीसी के साथ कंपेयर मत किया करो, ठीक। ये जरूरी नहीं है कि अगर आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है तो आपका एनटीपीसी का भी जल्दी हो जाएगा। ईसीए सिलेक्शन मेन चीज़ होती है, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए होना है। ये पहले अपने दिमाग में रखो। ये फालतू में हज़ार बार बोल चुका हूँ मैं कि ये कोरेंडम आते हैं और तुम लोग टेंशन लेना चालू कर देते हो। क्यों करते हो यार, क्या मिल जाता है तुम लोगों को? मुझे ये बताओ, कोरेंडम के लिए पढ़ रहे हो या जॉब के लिए पढ़ रहे हो? कोरेंडम आने से इतनी टेंशन हो रही है, क्या करोगे जब तुम प्री मेंस CVT 1 CVT 2 ये तुम्हारे होने हैं, इसके बाद तुम्हारा ये साइको होगा, टाइपिंग होगा, जो भी होगा, क्या करोगे उस टाइम पे? मोमबत्ती हो क्या कि हर छोटी छोटी चीज़ देख के पिघल जाते हो? देखो, अगर बात बुरी लग रही हो वीडियो डिसलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हकीकत जो है वही बता रहा हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कुछ कहा हो, किसी यूट्यूबर ने किसी वेबसाइट में कुछ भी कहा हो, कोई भी नोटिस हो, एक चीज़ याद रखो आप, अभी तक ऑफिशियली कहीं नहीं दिया है कि सितंबर अक्टूबर के करीब एग्ज़ाम होगा। सितंबर अक्टूबर के करीब तक आपका ईसीए सिलेक्शन ही हो पाएगा, अगर होगा तो। सबसे बड़ी चीज़ एग्ज़ाम के लिए जो ईसीए सिलेक्शन होगा, जो रणनीति बनाई जाएगी, उनका सबसे पहला मोटो ये होगा कि किस तरह सेंटर प्रोवाइड कराए जाएँ ताकि जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन चलते, जो लॉकडाउन का आपका अनलॉक 1 का पहला चरण भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि यात्रा करने के लिए ज़्यादा छूट नहीं दी हुई हैं, ठीक। भले ही 29 जून को आपकी प्रीविड कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके एक दो महीने बाद आपकी एजेंसी भी आ जाए, लेकिन तब भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले कैंडिडेट के लिए सेफ जर्नी का एक रूल बनाया जाएगा। वो भी कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हर एक ईओन सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम होता है वो आपके घर के पास ही हो या उस जगह जिस जिले में आप रहते हो। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो छोटे छोटे गाँव से निकलेंगे, उन्हें 500-600 किलोमीटर दूर भी एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही ईसीए सिलेक्शन होगा तुरंत आपकी एजेंसी आएगी और फटाक से आपका एग्ज़ाम करा देगी। जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुल जाता है और यात्रा करने के लिए कैंडिडेट को छूट नहीं मिल जाती है, तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब अगली चीज़, इतने समझदार आप खुद हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना के कारण देश की कंडीशन क्या है और कब तक लॉकडाउन आपका कम्प्लीटली खुल सकता है। तो ये चीज़ आप लोग खुद सोचिए, दिमाग कितना हम सब में है। बस मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा यार, फालतू की टेंशन मत लिया करो यार। जितना तुम्हें एग्ज़ाम की टेंशन नहीं है, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम डेट की टेंशन है। और आलतू फालतू की बातों को उस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। कुल मिला के यही कहूँगा कि ये कोरेंडम वोरेंडम पर ध्यान मत दिया करो, ऐसे हम लोगों के टाइम पर बहुत आए हैं। अगर हर एक छोटी चीज़ को हम लोग ऐसे ही लगा के बैठ जाते तो बैठे ही रहते। फोकस तैयारी पर करो, क्योंकि तैयारी मेन चीज़ है। तो एक चीज़ दिमाग में रखो, अभी कोई भी आपका एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड मंथ फिक्स नहीं किया गया यहाँ पर कि सितंबर में होगा अक्टूबर में। एग्ज़ाम अगर होगा तो आपका नवंबर दिसंबर या हो सकता है उससे आगे 2021 में ही पहुँचे। तो इसलिए फालतू की टेंशन मत लिया करो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगले अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।